था, फिर हमने क्या करना था, इसको फैला देना था। जब आप चीजों को फैला देते हो तो आपकी आग दोबारा नहीं लगती। तो जब वो चीजें इकट्ठी पड़ी रही हैं, इसको आहिस्ते से ऑक्सीजन मिली है, नीचे राख थी, नीचे कोयला था, या नीचे जो है ना छोटे छोटे उसके पार्टिकल थे, उन्होंने दोबारा मिलके उसको आग को लगा दिया। ये इसकी लॉजिक है। क्लियर जी? वो जो सोडा एसिड थे वो क्यों खत्म? लेकिन ये क्या, ये हाथ लगाए, इसको हाथ लगाए, इसको हाथ लगाए, ठंडा हो रहा है ना, ये ठंडा इसीलिए हो रहा है कि वो घर के लिए सर टिप्पल है। शाबाश, आते जाएं, खड़े होते जाएं, प्लीज। हम तो ठीक बैठे हैं, ये पूरे तो हम बुजुर्ग हैं, हमें तो उठा के ले जाए। शाबाश शाबाश, ले ले आगे ले। सारे नए आए हैं। वन मिनट नहीं, आप कंट्रोल में का, मैं होता है ऐसे की ट्रेनिंग करा रहा हूं। आप फोन ही ना डालो, ये बंदा तो फोन ही नहीं चुकता। 1122 डायल करेंगे तो फोरन आपको फोर। हाँ, अब फिर कोई गाइडलाइन लेनी है, कुछ और पूछना है तो फिर आप मुझे बाद में रहा हूँ। कौन कौन कुछ चले जी, थीम क्या है यहाँ पे? थीम हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पे क्या करना है कि सब ने जिस जिसने इस्तेमाल करना है वॉलंटरीली, वो सब लोग एक एक कदम आगे आएंगे, बाकी पीछे खड़े होंगे। वही काम, वही तरीकाकार, सब एक टाइम में पिन को खींचेंगे, एक टाइम में सिलेंडर्स को उठाएंगे, एक टाइम में नोजल को पकड़ेंगे, एक टाइम में टारगेट करेंगे और एक टाइम में चलाएंगे। तो उससे आपकी खूबसूरती भी आएगी, एक डिसिप्लिन भी आएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि पाउडर का सिलेंडर कैसे इस्तेमाल होता है। अब पीछे सिर्फ दो सिलेंडर हमारे पास CO2 के आ गए हैं, तो इसको हटा के फिर हम CO2 से एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे कि आके वाकई ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर? या हम एक काम और भी कर सकते हैं, वो एक काम क्या कर सकते हैं कि पहले हम CO2 के दो सिलेंडर ले आते हैं, एक यहाँ पे ले आते हैं और एक यहाँ पे ले आते हैं, पहले उसको ज़रा चला के चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको चलाते हैं। क्लियर जी? तो लिहाजा अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें आग को जनरेट करना चाहिए। पहले सब लोग आए, ज़रा आग को जनरेट करें, बंदे चेक थोड़ा सा फैल। सिंपल एक काम करना है, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़, सब लोग एक दूसरे का, सब लोग, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग एक दूसरे का मजबूती से पकड़। अच्छा, हाथ पकड़ाने का मकसद क्या, मकसद सब एक है, सब एक है, और क्या मकसद हो सकता है? भागना नहीं है, और क्या मकसद हो सकता है? यूनिटी। क्या चीज है जी? यूनिटी। और जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो तो आपके हाथों से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होती है। लास्ट चीज, आप लोगों को हाथ पकड़ाने का मकसद ये है कि आप लोग एक टीम का हिस्सा हैं, आप PTV की टीम का हिस्सा हैं, तो हर बंदे ने दूसरे बंदे की मदद करनी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। हर बंदा एक दूसरे बंदे से कनेक्ट है, हर बंदे ने एक दूसरे बंदे का ख्याल रखना है। आखिरी चीज, सब ने हाथों को पकड़ा हुआ है, मैं आज यहाँ पे आया हूँ, PTV में आया हूँ, ट्रेनिंग दी है, मेरे सबसे आज की पॉजिटिव बात जो सब ने करनी है अपने अपने अल्फाज में, पॉजिटिव बात, मैं आज PTV में आया हूँ, मैंने इवैक्यूएशन ड्रिल कंडक्ट की है और मुझे आपका रवैया बहुत अच्छा लगा, ये आज मैंने पॉजिटिव आप लोगों से एक चीज सीखी। आप सब लोगों ने, नाम मेरा मुबीन है, सबको बताया, मैंने इंट्रोडक्शन भी करा दिया था, आप सब ने लास्ट वर्ड, इसके बाद नमाज के लिए जाएंगे सारे, लास्ट वर्ड कि आज आपने सिर्फ क्या करना है, मेरा नाम ये है, सबने कहा मेरा नाम, अपना अपना नाम लेना है, फिर आपने कहना कि आज के दिन हमने ये अच्छी चीज सीखी है। हर बंदे ने अपनी अपनी जुबान में जो उसको आज का काम अच्छा लगा वो उसने अपने अल्फाज में बोल देना है, ठीक है? ये फिर आप हमें क्लैपिंग देंगे और क्लोज करेंगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट।
एक लफ्ज मैंने आपका सीख लिया तो मेरी कामयाबी है और उसको मैं ट्रांसफर करूंगा इनको, ये ट्रांसफर करेंगे आगे तो वो कामयाबी आपकी है। जरूरी होता है कि सारी बातें ही आपकी मेल कर लें, जैसे आपने कहा वो कहते हैं ना कि छोटे वाले सुनने वाले होते हैं और कुछ वैसे करते हो यार छोटे, तो ये चीज़ें तो रिफ्रेश होगी। दूसरा ये कि ये चीज़ें एडमिशन को पहले तो होती रही मजीद होनी चाहिए ताकि इसमें इंडिविजुअल तौर पर हर शख्स जो है वो इन्वॉल्व हो और वो इतनी उसमें कैपेसिटी आ जाए कि वो मोहताज ना हो। इसमें ये तो 112 वाले जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप तमाम बहुत अच्छी हैं, तारीफ हैं तमाम डिपार्टमेंट का मरकज से, पिटी होम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मजीद हिम्मत और जज्बा और ताकत। थैंक यू सो मच। नाम जी सर, लोगों की जिंदगी में आगे लगाते हैं उसका नहीं बताया वो ना पहले मैडम समीना से इजाज़त लेनी पड़ती है। जब आप कहीं जनरल बात करते हैं कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसको हर शख्स रेस्क्यू करते हुए घबराता है कि पुलिस में उसका वेरिफिकेशन का मसला बने। ये इस कानून की सर इसके ऊपर इसकी मोटी बात आपको बता देता हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। अभी अभी जो है फॉर द टाइम ऑफ 1 or 2 years बैक जो आप रेस्क्यू को कॉल करते हैं वो बेसिकली आपके एक लीगल कॉल बन जाए, लीगल कॉल जब आपके एक लीगल कॉल बन जाती है तो उस टाइम पे जो आप उस बंदे की मदद कर रहे हैं और जो आप रेस्क्यू को कॉल कर रहे हैं तो वो लीगल कॉल उस बंदे को उस टाइम पे प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं करते हैं और कॉल भी कर और मैं कॉल कर रहा हूं कि मेरा नाम ये मैं को वहां तक पहुंचा सकता ड्यूरिंग उसको एड कर ड्राइविंग नहीं ड्यूरिंग उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है उसको हम तो आप प्रोटेक्ट करेंगे 100% और कोशिश आपने ये करनी है कि आइदर यू आर अप्रोचिंग टू द हॉस्पिटल आप उसी जगह पे उस बंदे को सिक्योर करने की ना कि उस बंदे को आप गाड़ी के अंदर क्यों उसकी वजह ये है कि विद इन द पाकिस्तान 80-90% पीपल्स आर स्पाइनल इंजरी पेशेंट्स और पैरालाइज और कार्डिक बिकॉज ऑफ रॉन्ग शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट इन टू द व्हीकल। उस लिए आप उस बंदे को वहीं पे फर्स्ट एड करें कॉल कर दे और वहीं पे स्टेबलाइज करने के लिए जो रेस्क्यू आ रही है वो बेसिकली उस बंदे को सही तरीके से उठा के ले। ये कानून में कमिटमेंट हुई हुई है बिल्कुल कंफर्म हुई ब्लीडिंग कंट्रोल पुलिस की भी बात कर रहे हैं सर ये कंफर्म है मैं आपको बता लीगल कॉल डॉक्टर नहीं बनेंगे आप डॉक्टर बनेंगे आप बस वेट करना ब्लीडिंग कंट्रोल करने उसको वहाँ पे स्टेबलाइज करना है और लोगों को दूर और मेरा ये भी मैसेज है सबके लिए नाम मेरा मुबीन रशीद है बता दिया और नंबर मेरा 0333-504-7003 आप लोग आएँ बढ़ चढ़ के इन ट्रेनिंग को हासिल करें। आज PTV होम PTV ग्लोबल के साथ हमने ट्रेनिंग की है और फायर सेफ्टी की वैक्यूशन ड्रिल की और बाकी चीज़ों को हमने कोशिश की है कि हाईलाइट करें और जितना हम लोगों को मैक्सिमम सेव कर सकते हैं उतना सेव करने की कोशिश करें। बाकी कोई भी क्वेरी है साजिद साहब है शाह साहब है मेरा नंबर आपके पास है जो चीज़ हमारा दोनों मिसाइल नहीं है बस इन्हीं से चलाएं बस।